ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 29 अक्टूबर 2022 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। प्रश्न है आज का, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे। मेरा मेरा न हो, बस यह भाई है आत्मा, ये रूहानी कनेक्शन है और हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे माला में आ सकते हैं। गीत, आज का गीत नहीं है, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है, माया फटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए, बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया हुआ है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई भी बात नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ये पावन सत्व प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है जिससे जंक निकल जाए। बाबा समझाते हैं बच्चे, पहले पहले अपने को आत्मा समझो, ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, ये है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं बच्चों, मैं परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने? ये बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधा दौरी नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे, माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वो सब भूलना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे हैं और भाई हैं, हमारा किसी से भी कोई भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये हमारा भाई है, यही हमारा कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। कितनी सारी आयु तो देह की ही याद आई ना, आत्मा तो किसको याद आई नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप पे समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ भी कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। देखो वो है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे सारा दिन, तो कोई याद नहीं कर सकते हैं। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो, जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा जैसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो हम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना है। करण करावन हार है ना, तो तुमको भी करके सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएंगी। सत्यु त्रेता में जो आते हैं वही विजयी होते हैं। बाबा राज सुना रहे हैं, सतयुग त्रेता में आते हैं वो विजयी होते हैं।
फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबर वन आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं हम तो लीन हो जाएंगे, सन्यासी कहते हैं। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फिर कह देते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। तुम उनको उल्टा समझेंगे तो वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी, अंतिम सत्य है। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ये वंडर कहते हैं, तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाबा के पास है, वो ज्ञान का सागर है। ऐसे तुम बच्चों के पास भी है, तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते हो, वो है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग में दुखधाम द्वापर कलि। इसको कहा जाता दूरांदेशी, तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं, बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े, गाया जाता है अंत काल जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो जरूर याद आएगी। ये विचार करने की बातें हैं, अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है तो भी याद जरूर आएगा। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो ये मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता है तो वो पिछाड़ी में बहुत नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे, मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई पुरानी चीज याद न आए तब माला का दाना बने। 108 की माला तो राजा की है, मंदिरों में फिर 16108 की माला रखी है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे सतयुग में। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और वो उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवास हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंते हो जाते हैं, मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है, नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर तुम क्यों कहते हो हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा, जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी। तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिलेंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं, वाह इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार
और सद्भावना से ले आते हैं। जो भी कुछ ले आते हैं बहुत प्यार और सद्भावना से, और वो भाग्य ऐसे बच्चों का बहुत ऊंच पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कलप कलप चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी अर्थ यही होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी हो रही है। वाह भाई वाह, क्या नशा चढ़ना चाहिए है। लाख दो लाख कमाते हैं तो कितना नशा रहता है उनको। हाँ, 5 लाख रुपए पेमेंट है, 10 लाख रुपए पेमेंट है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो पदम पदम की पेमेंट है, आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा प्लान अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना, फिर यह ड्रामा किसके वश है बच्चे। ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर वन मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, श्रीमत। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हें देवता बनाती है वो है श्रीमत। ईश्वरीय मत देवता बनाती है और आसुरी मत छी छी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अब यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा है, जो शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा है। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाबा सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, भगवान आज मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को कितना न प्यार से याद करना चाहिए। अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के हमारी क्या आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख रहे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए। कभी ये संकल्प नहीं आए कि हम बाबा को देते हैं वरदान। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भवन। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाद बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे, ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज का स्लोगन है संगमयुग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगमयुग की मौज का अनुभव करना है
तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।